हम आजो भक्तों तुम्हें ये पावन कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। सब सुनो ध्यान से सूर्य देव की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। की शादी है संगा के संग होती, संगा तो है विश्वकर्मा भगवान की बेटी। पति के संग में संगा सूर्य लोक में आती है, मगर वो अपने जीवन में बस कष्ट ही पाती है। सूर्य देव थे तेजवान और संगा थी कोमल, इसीलिए संज्ञा की काया जलती थी हर पल। मगर सूर्य देव से संज्ञा कुछ कहना पाती है, पत्नी धर्म निभाती है भले दुख ही सहती है। सूर्य देव पत्नी के दुख को समझ न पाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। सब सुनो ध्यान से सूर्य देव की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। सूर्य देव संगा के सारे दुख से थे अनजान, संगा जी को सूर्य देव से हुई तीन संतान। संतानों को पाके खुश थे सूर्य देव भगवान, वैभव अस्वतन यमुना देवी यमराज था नाम। संगा देवी के कष्टों में कमी न अब भी थी, सूर्य देव के तेज को वो मुश्किल से सहती थी। एक दिन एक उपाय सूझा संगा के मन में, शायद खुशहाली आ जाए मेरे जीवन में। अब आगे क्या होगा भक्तों आज बताते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। सब सुनो ध्यान से सूर्य देव की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। संगा ने सोचा अब चल के तप किया जाए, सूर्य देव का तेज शायद कुछ कम हो जाए। संगा देवी सूर्य लोक से एक दिन जाती है, अपनी परछाई वहां पे छोड़ के आती है। संगा बोली परछाई से यहीं पे तुम रहना, सूर्य देव का ध्यान रखना सेवा सदा करना। मेरी एक परछाई हो तुम उन्हें न बतलाना, जैसा वो बोलेंगे बस वैसा करती जाना। पर सूर्य देव संगा की लीला समझ न पाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। सब सुनो ध्यान से सूर्य देव की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। वहां से चल के संगा विश्वकर्मा के घर आई, पिता से अपने मन की सारी दुविधा बतलाई। विश्वकर्मा जी बोले तुम ना ठहरो आंगन में, तप करो अपना तुम बेटी जाके किसी वन में। संगा देवी तप करने को वन में आती है,
अपनी जगह अपनी परछाई छोड़ के आती है। सूर्य देव संज्ञा की छाया संगत समझते हैं, कई साल छाया के संग आराम से रहते हैं। अब सुनो कहानी आगे की जो तुम्हें बताते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। सब सुनो ध्यान से सूर्य देव की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। छाया के संग रहते थे संज्ञा जान, छाया को भी सूर्य देव से हुई तीन संतान। तीनों का फिर नामकरण है किए सूर्य भगवान, शनि देव सावरणी मनुवा बद्रा धराए ना। मगर न जाने कुदरत ने क्या रचा है खेल निराला, सब संताने गोर वर्ण भी शनि देव थे काला। शनि देव को देख के होती सूर्य को चिंता है, इतना काला पुत्र हमारा हो ही नहीं सकता है। अब शनि देव को सूर्य न अपना पुत्र मानते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। सब सुनो ध्यान से सूर्य देव की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। सूर्य देव ने शनि देव के खूब अपमान किए, अपना पिता मुझे ना कहना ये हक भी छीन लिए। शनि देव जब सूर्य देव से अपमान है पाए, सूर्य देव के ऊपर अपनी शक्ति दिखलाए। शनि देव अब सूर्य देव पर करने लगे प्रकोप, उनके रथ के घोड़ों का वो चाल दिए है रो। अपनी वक्र दृष्टि उनके सारथि पर डाले, एक ही पल में उसको नेत्रहीन बना डाले। अब शनि के इस प्रकोप से सूर्य बच ना पाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। सब सुनो ध्यान से सूर्य देव की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। पड़ी जो दृष्टि शनि देव की, रुकी सूर्य की चाल। सूर्य देव कुछ कर ना पाए, होने लगे बेहाल। शनि देव की दृष्टि ने जब सूर्य को घेरा था, सारी सृष्टि पर दिन में ही हुआ अंधेरा था। शनि देव की शक्ति से अब सूर्य थे घबराए, भागे भागे अब वो शंकर जी के पास है आए। सूर्य देव ने महादेव को अब है नमन किया, महादेव ने उनको रक्षा का है वचन दिया। तब सूर्य पुत्र यमराज को शिव जी वहाँ बुलाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। सब सुनो ध्यान से सूर्य देव की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। सूर्य देव के बड़े पुत्र यमराज वहां आए, अपने तप से उनके सारे कष्ट है मिटाए।
सूर्य देव अब शनि देव से अपना बदला लिए। शनि देव की कुंभ राशि उसको जला दिए। सूर्य देव को तब यमराज ने फिर है समझाया, आपस में ना लड़ो पिताजी इतना बतलाया। बोले फिर यमराज सूर्य से भेद ये मिटाओ, शनि देव भी पुत्र आपके उन्हें भी अपनाओ। पर अब भी सूर्य देव न अपना क्रोध मिटाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। सब सुनो ध्यान से सूर्य देव की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जल गए शनि की राशि पर कुछ तिल थे उसमें बचे। उस तिल से शनि देव सूर्य की पूजा करने लगे। वो काले तिल शनि देव है सूर्य को चढ़ाते, पूजा अर्चना करके वो है उनको मनाते। सूर्य देव तब जाके अपना क्रोध शांत किए, वहां से सीधा शनि देव के पास है चल दिए। सूर्य देव तब शनि देव के पास में है आए, किए नमन तब शनि देव ने शीश है झुकाए। अब सूर्य देव जी शनि की दूसरी राशि में आते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। सब सुनो ध्यान से सूर्य देव की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। शनि की मकर राशि में जिस दिन सूर्य जाते हैं, मकर संक्रांति का तब से त्योहार मनाते हैं। मकर संक्रांति का दिन भक्तों जब जब आता है, काला तिल चढ़ाकर सूर्य को पूजा जाता है। मकर संक्रांति का त्योहार जो दिल से मनाते हैं, अपने जीवन में वो सब खुशहाली लाते हैं। जो भी प्राणी सूर्य देव की महिमा ये गाए, दुनिया के सारे कष्टों से मुक्ति वो पाए। हम धन्य हो गए सूर्य देव की गाथा गाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। सब सुनो ध्यान से सूर्य देव की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हे सूर्य देव भगवान, हम सब का रखना ध्यान। हे सूर्य देव भगवान, हम सब का रखना ध्यान। आदि देव नमस्तुभ्यं, प्रसीद मम भास्कर, दिवाकर नमस्तुभ्यं, प्रभाकर नमोस्तुते। बोलिए सूर्य देव भगवान की जय। भक्तजनों, भुवन भास्कर भगवान सूर्य नारायण प्रत्यक्ष देवता हैं, प्रकाश के साक्षात स्वरूप हैं। उपनिषदों में भगवान सूर्य के तीन रूप माने गए हैं, निर्गुण निराकार, सगुण निराकार और सगुण साकार। यद्यपि सूर्य निर्गुण निराकार हैं तथा अपनी माया शक्ति के संबंध में सगुण आकार में भी हैं, तथापि भगवान सूर्य देव नारायण की सदा सदा सच्चे हृदय से उपासना करनी चाहिए। भगवान सूर्य देव हर सुबह पूर्व दिशा से उदित होकर अपने सात घोड़ों के रथ पर सवार होकर आते हैं तथा इस सृष्टि से तम अंधियारा दूर भगाकर सृष्टि में अपनी किरणों के माध्यम से
प्राणों का संचार करते हैं। परंतु क्या आप जानते हैं भक्तों कि पहले भगवान सूर्य सिर्फ तेजोमय स्वरूप में थे, फिर कैसे उन्होंने देवता के स्वरूप में जन्म लिया। आइए आज इस संगीतमय गाथा के माध्यम से मैं आपको वेद पुराणों में वर्णित ये पावन गाथा सुनाने जा रहा हूँ। तो भगवान सूर्य देव नारायण के चरणों में ध्यान लगाते हुए आइए सुनते हैं ये पावन संगीतमय कथा। जय भानु जय जय दिनकर भुवन भास्कर नाम, आपके तेज प्रकाश को कोटि कोटि प्रणाम। पावन जन्म की गाथा है गाकर तुम्हें सुनाऊं, सूर्य देव की महिमा को भक्त तुम्हें बतलाऊं। भक्तजनों, बात उस समय की है जब दैत्य और देवता आपस में सदा सदा युद्ध करते रहते थे, सदा आपस में लड़ते रहते थे, जन्म जन्म का बैर था दोनों में। कभी देवता हावी हो जाते तो कभी असुर जीत जाते, परंतु इसका कोई परिणाम नहीं निकल रहा था। यहाँ तक कि दैत्य गुरु और देव गुरु भी उनकी इस रोज रोज की लड़ाई से परेशान हो गए थे। परंतु दैत्यों ने अपने तप के बल पर अनेकानेक शक्तियां हासिल कर ली भक्तों, और फिर हुआ वही जिसका भय था। एक दिन दैत्य सेना ने स्वर्ग पर चढ़ाई कर दी, और इसका क्या परिणाम हुआ भक्तों, आइए आपको सुनाता हूं। दैत्यों की और देवों की होती रोज लड़ाई, स्वर्ग पर फिर कर दी थी दैत्यों ने चढ़ाई। दैत्यों ने फिर कर डाला स्वर्ग पे था अधिकार, देवी देवता कर डाले स्वर्ग से बिल्कुल बाहर। दैत्यों ने बलपूर्वक देवी देवताओं को स्वर्ग से निष्कासित कर दिया भक्तों, इंद्र का आसन छीन कर उसे स्वर्ग से विहीन कर दिया। इंद्रादि सभी देवी देवता माँ अदिति की शरण में आए और हाहाकार करने लगे। माँ अदिति अपने बच्चों का ये हाल देखकर अत्यंत दुखी हुई भक्तों, और भारी हृदय से कोई उपाय सोचने लगी किस तरह इन देवी देवताओं को स्वर्ग वापस पहुंचाऊं और किस तरह इंद्र को स्वर्ग के सिंहासन पर फिर से बैठाऊं। के तभी उनकी दृष्टि झरोखे से बाहर सूर्य देव नारायण पर पड़ी। ऐसा तेजोमय स्वरूप देखकर माँ अदिति के मन में एक विचार आया भक्तों, और वो विचार क्या था, आइए श्रद्धापूर्वक श्रवण करते हैं। अदिति माँ ने जब किया सूर्य देव दीदार, उनके मन में आ गया भक्तों एक विचार, किसी और का तेज नहीं सूर्य देव के समान, क्यों ना ऐसी हो जाए मेरी एक संतान।
भगवान सूर्य देव नारायण के तेज को देखकर माँ अदिति के मन में विचार आया कि क्यों ना ऐसा ही तेजोमय स्वरूप वाला मेरा एक पुत्र हो जाए। जब ऐसा तेजोमय पुत्र मेरा होगा तभी इन देवताओं का कल्याण हो सकेगा। यह सोचकर माँ अदिति भगवान सूर्य देव नारायण का तप करने लगी ताकि वो पुत्र रूप में उनके गर्भ से जन्म ले सके। माँ अदिति के पति ऋषि कश्यप ने उन्हें बहुत समझाया कि भगवान सूर्य देव का तेज आप ग्रहण नहीं कर सकेंगी, इसलिए इस विचार को त्याग दीजिए। परंतु माँ अदिति अपने निश्चय पर अटल थी, सो भगवान सूर्य देव नारायण का घनघोर तप किया, यहाँ तक कि खाना पीना भी छोड़ दिया। यह सब देखकर भगवान सूर्य देव नारायण अत्यंत प्रसन्न हुए और माँ अदिति को दर्शन देकर वरदान मांगने को कहा। तब माँ अदिति ने उन्हें उनके गर्भ से पुत्र रूप में जन्म लेने का वरदान मांगा। सूर्य देव नारायण ने तथास्तु कहकर माँ अदिति के मन की इच्छा पूर्ण कर दी। भक्तों, दर्श दिखाया सूर्य ने, दिया अभय वरदान, शीघ्र ही बनकर आऊंगा आपकी संतान। पुत्र रूप में आपको माँ अदिति थी पाए, देवी देवता मिल कर के जय जयकार लगाए। भगवान सूर्य देव नारायण ने पुत्र रूप में माँ अदिति के गर्भ से जन्म लिया। तभी भगवान सूर्य नारायण का एक नाम आदित्य भी है। भक्तों, जन्म लेते ही भगवान अपने साकार स्वरूप में आ गए। अत्यंत तेजोमय रूप, बलवान, शक्तिशाली, स्वर्ण के समान आभा वाले ऐसे पावन, पवित्र और शक्तिशाली पुत्र को पाकर माँ अदिति भी धन्य हो गई। माँ अदिति ने भगवान सूर्य देव नारायण को देवताओं का अधिपति बना दिया। भक्तों, तथा उनके नेतृत्व में देवताओं ने असुरों पर चढ़ाई कर दी। घनघोर युद्ध हुआ, परंतु भगवान सूर्य देव नारायण के तेज के आगे सभी असुर परास्त हो गए और स्वर्गलोक छोड़कर भाग खड़े हुए। माँ अदिति ने इंद्रदेव को स्वर्ग का राज उन्हें लौटा दिया और देवी देवता भी पुनः स्वर्ग में स्थापित हो गए। सभी ने मिलकर माँ अदिति और भगवान सूर्य देव नारायण की सच्चे हृदय से जय जयकार की। तो आप भी इस अवसर को मत चूकिए। भक्तों, मेरे साथ सच्ची श्रद्धा से बोलिए, बोलिए भगवान सूर्य देव नारायण की। देवों का फिर अधिपति सूर्य देव को बना, सूर्य देव दिए दैत्यों को युद्ध में भक्तों हरा। चंदन तिलक लगाए के देव करे जयकार, सूर्य देवता कर रहे भव सागर से पार।
बड़ी ही महान ब्रह्मा
से